हमारा बाइक निकाल लिया गया, ट्राइपॉड निकाल लिया गया, हमारी बिल्ली बना दी गई है। तो यार एक बार आपका फिर से स्वागत है, और अभी हम आए हुए हैं कुतुब मीनार पे। हमारा बाइक निकाल लिया गया, ट्राइपॉड निकाल लिया गया, हमारी बिल्ली बना दी गई है, बेइज्जती कर दी गई भरी महफिल में। उन्होंने पहचाना ही नहीं कौन है भाई, सब कुछ ले लिया सालों ने, पता नहीं आवाज़ आएगी नहीं आएगी, चिल्ला चिल्ला के करना पड़ेगा, चिल्ला चिल्ला के बात करनी है सुहेल। उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा था मोहम्मद शकलेन व्लॉग से, इस वजह से उन्होंने पहचाना नहीं और कोई इज्जत नहीं करी। चिल्ला चिल्ला के बात करनी है। हाँ भाई, चिल्ला चिल्ला के बात करनी है, चिल्ला। आवाज आ रही होगी तो सुन लेना, वो देख कुतुब मीनार। तो आ गया हम अंदर की साइड में, और अभी फ़ोन से रिकॉर्डिंग चल रही है, साथ साथ में देख रहे हैं अगर सिंक हो जाए, क्योंकि पहले हम ऐसे ही करते थे। और भाई कितने कितने बार आ चुके हो, इसका तो रिकॉर्ड ही नहीं है, छोड़ो इससे तो पूछना ही। मैं हाथ हाथ हटा दूंगा भाई, मेरे हाथ के पास कोई फ़ोन पकड़ लो, चलो छोड़ो। तो हाँ मेरा तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी बार आया मैं, आरिफ और शाबाज भी, हम तीनों दूसरी बार आए। हाँ दूसरी बार आए ये, दूसरी बार आऊँ, दूसरी बार क्या, पहली बार ही कहूंगा, मुझे बिल्कुल ज्यादा याद नहीं है ज्यादा ढंग से कि कहाँ पे क्या था। मैं भी अभी पहली बार ही घूम रहा हूँ, तो आपको जैसे कि सिनेमैटिक शॉट में मिल ही रहे होंगे, मेरे साथ माइक मेरा भाई आरिफ के साथ में, मेरे हाथ में कैमरा, तो आपको थोड़ा और सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं मैं रोल। थोड़ी सी नॉलेज की बात करी जाए तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने बनवाया था, जो अराउंड 1192 मतलब कि 1192 में बन चुका था। और कुतुब मीनार इस टाइम पे मेहरोली में है, और इस वीडियो में ज़्यादातर बात मतलब बात थोड़ी कमी हुई है वॉइस ओवर ज़्यादा होगा, क्योंकि यार उन्होंने हमारे माइक ले लिए थे, तो इस वजह से ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई, मुझे मज़ा आ नहीं रहा था बात करने में, इस वजह से यार ज़्यादातर वॉइस ओवर है। तो जैसा भी लगे यार एन्जॉय करो, और अभी तक देख रहे हो तो लाइक करो यार। चुप चुप क्यों, क्या बात हो गई, चुप चुप क्यों है, घूम रहा हूँ भाई। घूम रहा है, गिर रहा है, घूमना नहीं जा रहा, घूम रहा है, गिर क्यों रहा है मुझे बता पहले तू। दांत तू बड़े जा रहा है अंदर, तो भाई साइड ना हूँ, न्यू करके लिटा लूँ। तुमने माइक रख लिया है, चिल्लाना पड़ रहा है, लोग दिमाग खराब हो गया यार, उन्होंने माइक रख के बिल्कुल ऐसे तैसे कर दिए, बिल्कुल माइक का पता नहीं क्या सिस्टम है यार। इंडियन व्लॉगर लाइफ, जिंदगी झंड है बहुत ज्यादा। अगर आवाज आ रही हो तो हम ऊपर चढ़े थे, लेकिन यहाँ तो बस कुआं ही कुआं है, खाली बॉटल है पड़ी हुई और कुछ नहीं है। और इतनी बड़ी होती ये रहा, क्या है वो क्या है वो? भाई यहाँ पे सेल्फी लेते हुए, यहाँ सेल्फी ले रहे भाई हमारे, अरे मैं भी आ गया सेल्फी में, हो रहे आ गया सेल्फी में आ गए। सो गाइस कुतुब मीनार इज 73 मीटर मतलब 239.5 फीट टॉल टेपरिक टावर ऑफ 5 स्टोरेज विद अ 14.3 मीटर 47 फीट बेस डायमीटर रिड्यूसिंग टू 2.7 मीटर 9 फीट एट द टॉप ऑफ पीक, मतलब जो इसकी लंबाई है वो 239.5 फीट की है, और जिसका बेस है 47 फीट का है, और द टॉप ऑफ पीक मतलब इसकी जो पीक है ना टॉप की, वो 9 फीट की है। Thank you.
तो जितना मैं पता चला और जितनी माइक में आवाज़ आ रही है उस हिसाब से वो मीनारा जो बनते बनते रुक गई, बन रही थी लेकिन डेथ हो गई इस वजह से नहीं कंप्लीट नहीं हो पाई है भाई। सुहेल भाई हमारा कुछ बता रहे हैं ऐसा कुछ के ये कुतुब मीनार से डबल बन रही थी। अच्छा, लेकिन बीच में अलाउद्दीन खिलजी बनवा रहा था। अच्छा, तो उसकी डेथ हो गई तो ये रुक गई, ये कुतुब मीनार के डबल बनती पक्का खिलजी था ना। हाँ चलो, इस बंदे को थोड़े से नॉलेज है तो हमने इससे पूछा। और ओए कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नॉलेज है इसके बारे में? नहीं भाई मुझे कुछ नहीं पता, ये इसका आधा भी नहीं है। ये वैसे इतना पता है मुझे तो बस कि इसका दुगने बनते को तो मीनार के दुगनी बन रही थी लेकिन बन नहीं पाई ना, तभी तो कुतुब मीनार एक है। एंड होता है हमारे यहाँ पे कुतुब मीनार का, मतलब हमने घूम लिया अच्छी तरीके से और ज़्यादा कुछ था नहीं तो बताया नहीं, माइक चल रहा है दिमाग ख़राब हो रहा है इस वजह से तो ज़्यादा मैंने बातचीत करी नहीं है और जितना भी हुई उतनी सही है। तो हंस क्यों रहा है भाई उनके ऊपर, तो इस वजह से ज़्यादा बात नहीं हुई। और ट्राईपॉड और वो ले लें पहले से गोरिल्लापॉड, फिर बात करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और खिला क्या रहा हो भाई? अरे भाई कुछ भी खा लो। हाँ कुछ भी खाएंगे फिर तो ठीक है। अब जाके वहाँ से वहाँ जाके ट्राईपॉड और उससे पहले माइक ले लो यार, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। साला बिल्कुल कुछ करने नहीं देते इंडिया के अंदर, है ना? हाँ पता नहीं क्या है साला। आगे अपने बाप पे तो माइक हमारा मिल गया, ट्राईपॉड भी हमने ले लिया है, अब निकल रहे हैं बाहर और कुछ खाना पीना। आवाज़ अब अच्छी आ रही होगी, आखिरकार अपना सामान वापसी मिल ही गया। लाओ ये रहा हमारा ट्राईपॉड, सब कुछ मिल गया यार, पूरे उसकी ऐसी तैसी करवा दी ब्लॉक के इन्होंने। तो एक चीज़ बड़ी एंटिक है यहाँ की, यहाँ का एग्जिट और एंट्रेंस दोनों पे बड़ी भीड़ लगी रहती है यार, अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पे एग्जिट पे, मतलब एग्जिट पे भीड़ कब से होने लगी यार? एग्जिट पे भीड़ होती है क्या? मैं पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। देखो भाई सेकंड टाइम आया तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता, एक तो 26 जनवरी की वजह से शायद भीड़ हो रही है, दूसरी बात वीकेंड्स, तो वीकेंड्स पर शायद भीड़ होती है, ऊपर से कैंप आए हुए यहाँ पे NSS वाले तो ज़्यादा भीड़ शायद इस वजह से हो। बाय द वे हम लोग तो अपनी गाड़ी लेके आए, स्कूटी और बाइक से आए हम यहाँ पर, तो हम तो सीधा पार्किंग की तरफ जाते हैं। इधर है रेलवे स्टेशन और अदर सामने, तो उधर जा रहे हैं सीधा। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, और यह सेकंड डे है ना, दो दिन बाद शूट हो रहा है क्योंकि थैंक्स टू आर्य भाई जो हमारा बैग और कैमरा में सब कुछ ले गए थे। दोनों अलग अलग बाइक पे थे, पता नहीं इतना भी भुलक्कड़ कौन होता है। तो होता है सुहेल भाई इतना भुलक्कड़? उसे ये याद ही नहीं कि कैमरा लेके गया हुआ है, इस वजह से हम दूसरे दिन शूट करें। वैसे रात में कैमरा आ गया था पर एनर्जी बाकी नहीं थी कि और शूट कर ले इस वजह से आज हम आए हुए सुहेल की छत पर। लाइट धूप आ रही थी इस वजह से ले रहे, वरना तो मैं तो जानती हूँ अपना एलर्जी का क्या सीन है। और वो तो चलता है उधर, इधर उधर तो रहता है। बाय द वे नज़ारा देख सकते हो आप कितना बेहतरीन है पीछे। और ये मेरा गोरिल्ला पॉड ख़राब हो रहा है, ये भी मुझे ऑर्डर करना है, नया लाना है। एक इसका एक पैर जो है वो स्लिप हो रहा है तो इस वजह से। और बाय द वे ये हमारा छोटा भाई और ये मेरा पैनासोनिक का कैमरा, इसको भी ज़रा पता करना है कि क्या हुआ है थोड़ा, मतलब इसका फोकस वोकस हिल रहा है, इसकी भी सर्विस वगैरह करवानी है। और मेन मकसद है यहाँ आने का, इस व्लॉग को एंड करना था जो रह गया था, है ना भाई? और क्या। तो इस व्लॉग को एंड करता हूँ, अगर पसंद आया हो, शॉर्ट और छोटा व्लॉग है बहुत नॉर्मल सा, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना, और ज़्यादा अच्छा लग गया तो शेयर कर देना। वो तो लगा नहीं होगा, वैसे खाना पीना दिखाया नहीं बंदा, तो खाना पीना हमने खूब कर लिया था आकर। तो मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए सीधे आज से बाय।